हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल टारगेटिंग फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एमिरेट्स D20 का जो सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच आजमान वर्सेस अबू धाबी के बीच में, उसके मैच प्रीव्यू स्टैट्स और एनालिसिस। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टॉस के बाद, लाइनअप के बाद हम फाइनल टीम वहीं पर ही देते हैं। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, जाकर टारगेटिंग फैंटेसी के सर्च कीजिए और हमारे जो ऑफिशियल चैनल है 1.6K प्लस सब्सक्राइबर वाला, वो चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ में अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम की, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस देर किस बात की, आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं मैच की बात करें। आज शाम को 6:30 बजे इंडिया टाइम के अनुसार ये मैच खेला जाने वाला है। एक ही वेन्यू है यहाँ पर जहाँ पर सारे मैचेस हो रहा है, ICC अकेडमी दुबई UAE पर ये मैच होगा। तो यहाँ पर क्लियर वेदर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें, देखिए बेसिकली यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा, रन्स भी स्कोर होते हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर बॉलर्स को स्पेशली यहाँ पर जो काटस बॉलर होते हैं जिनके पास स्पीड वेरिएशन रहते हैं, साथ में यहाँ पर लेग कटर अप कटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर अच्छे करते देखने को मिल सकते हैं। एवरेज स्कोर की बात करें, 140 बनते हैं यहाँ पर एवरेज स्कोर। लास्ट 5 मैचेस की यहाँ पर स्टैट्स देखिए, आजमान की टीम यहाँ पर 5 मैच खेल के 3 जीते, अबू धाबी ने यहाँ पर देखिए 5 मैच खेल के 2 जीते। हेड टू रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 3 मैच खेला गया है, जिनमें से आजमान ने 2 जीते और अबू धाबी ने 1 जीते। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे है आजमान की टीम। और इस सीजन का वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें, अभी तक 30 मैच खेला गया है, जिनमें से 16 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 14 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। तो यहाँ पर टॉस रिपोर्ट आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर रेशियो देख सकते हो कि लगभग सेम ही है फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग करने पर जीतने वाले का। और आज के मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, आजमान की विनिंग चांसेस 65%, अबू धाबी की विनिंग चांसेस 35%। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आजमान के फेवर में टीम बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है। और अभी हम बात करेंगे दोनों टीम का प्रॉपर प्लेइंग सही कैसा रहने वाला है, साथ में यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर कैसा होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर के साथ डिस्कस कर देता हूँ। आजमान की तरफ से देखिए, संदीप सिंह ओपनिंग करेंगे, किसके साथ, यासिर कालिम के साथ, जो यहाँ पर हर एक मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आपको देखने को मिल रहा है, कैप्टनसी कर रहा है। साथ में आपको विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको मिल जाएगी। एंड स्टैंडन ठीक ठाक कर लेते हैं, शाहनवाज खान एक प्रॉपर ऑलराउंडर की जगह खेलेंगे, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। साथ में पर आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बहुत अच्छे चॉइस बन सकते हैं इस मैच पर। हमिद खान नंबर 5 पर आएंगे, एक प्रॉपर बैटर है। लुकमान हजरत पहले कुछ मैच नहीं खेला, लेकिन फिर स्क्वाड पर आ गए हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक्स हो सकते हैं। मोहम्मद अजहर एक बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है इनको, नसीर अजीज ये भी एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है, सुल्तान अहमद, हफीजुर रहमान और नब प्रवेजा, ये 3 प्रॉपर बॉलर की जगह खेलने वाले हैं इस मैच पर। तो अब दूसरी टीम की बात करें, देखिए अबू धाबी की तरफ से गुलाम फरीद ओपनिंग कर सकते हैं अट्टा और रोहिम के साथ। रोहिम यहाँ पर थोड़ा सा बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो ये दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, लगभग 60 रन प्लस बनाते हैं इन दोनों, तो इसलिए ये दोनों ओपनर्स आपकी टीम पर होना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक्स रहने वाला है। कमरान अट्टा विकेट कीपरिंग सेक्शन पर आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा अच्छे स्कोर बना लेते हैं। अली अबीद उतना तो अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक कर लेते हैं T20 में। नंबर 5 की बात करें, गुलाम मुर्तजा पहले बहुत ही नीचे आते थे, लेकिन अभी इनकी ऑर्डर थोड़ा सा आगे हो गए, तो इसलिए ये भी आपके लिए अच्छे पिक्स बन सकते हैं एज ए ऑलराउंडर। फयाज अहमद एक बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है इनको, क्योंकि देखिए बैटिंग में फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। एम उजैर खान एक अच्छे ऑलराउंडर है। इंथन डिसूजा प्रॉपर बॉलर है, लेकिन बॉलिंग इनको नहीं मिल रहा है। ओ हसन शाह इनको भी बॉलिंग नहीं मिल रहा है। जिया मुख्तार और रत्न अदानी सबके लिए प्रॉपर बॉलर की जगह देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं किसकी तरफ, स्टैट्स की तरफ। देखिए दोनों टीम के प्लेयर स्टैट्स हम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आजमान की तरफ से बात करें, संदीप सिंह 1-19-35-19-32 थोड़ा सा ठीक ठाक स्कोर बना लेते हैं। लास्ट 3 मैच की बात करें, 30 प्लस के एवरेज लेके खेल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकते हैं इस मैच पर। यासिर कालिम 61-8-37-17-32-11 तो ये भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस है इनका हर एक मैच में लगभग, और 30 प्लस की एवरेज है, तो ये भी आपके लिए अच्छे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए चॉइस हो सकते हैं। साथ में देखिए विकेट कीपर भी है, तो आपको स्टंपिंग कैचिंग से भी थोड़ा सा पॉइंट दे सकते हैं। अनस्टैंडिंग की बात करें, उतना अच्छा चॉइस अब ये नहीं रहने वाला है, 0-0-29-19-4-16 तो एक भी लास्ट जो 6 मैच खेले वहाँ पर एक भी 30 प्लस स्कोर नहीं बनाया, तो इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हो। शाहनवाज खान की बात करें, देखिए एक बॉलिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है, फिर भी देखिए विकेट्स रन्स की बात करें 17-0-35-31 साथ में देखिए 2-6-2-3 मतलब खेला 4 मैच वहाँ पर
13 विकेट निकल चुके हैं, तो 3+ विकेट लेने की इनकी एवरेज है। तो आपके लिए मस्ट भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी पिक्स रहने वाला है स्मॉल लीग पर, हमारे टीम पर तो रहेगा ही रहेगा। नंबर 5 पर देखिए हमीद खान, इनकी रन्स तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। देखिए 0, 4, 11, 18, 8, 8 उतने अच्छे चॉइस आपके लिए नहीं रहने वाला है। लुकमान हजरत की बात करें 1, 1, 49 सातवें पर 1 विकेट और 2 विकेट मस्ट पिक रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग की टीम पर। मोहम्मद अजहर देखिए 0, 2, 15, 1 उसके साथ लास्ट जो 4 मैच खेला उनमें से 3 विकेट निकाले, तो ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। नसीर अजीज के बारे में बात करें 34, 0, 6, 13, 8, 8 और लास्ट जो 5 मैच खेले उनमें से 6 विकेट निकाला। सुल्तान अहमद रन्स नहीं है, एक प्रॉपर बॉलर है, लास्ट जो 6 मैच खेले उनमें से यहाँ पर 9 विकेट निकाला, ये भी आपके लिए बॉलिंग की जगह मस्ट पिक रहेगा। हफीजुर्रहमान 2, 2, 1, 0, 3 तो इनका भी स्टेटस आप कुछ देख सकते हो, 5 मैच खेल के इन्होंने भी 8 विकेट निकाला, आपके लिए एक मस्ट चॉइस रहने वाला है। नव प्रभेजा 2 मैच में 0 विकेट और 1 विकेट आप इनको ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अजमान की तरफ से मस्ट पिक रहने वाले हैं। यासिर कालीम, शाहनवाज खान, लुकमान हजरत, मोहम्मद अजहर, नसीर अजीज, उसके साथ ये गई 5 प्लेयर्स, बाकी यहाँ पर बात करें सुल्तान अहमद और हफीजुर्रहमान, ये 7 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक रहने वाले हैं अजमान की तरफ से। अब दूसरे टीम के स्टार्स की बात करें, अबू धाबी गुलाम फरीद अच्छे पिक्स है 49, 2, 45, 27 लगभग इनका भी 30+ एवरेज आप कह सकते हो। अट्टाउर रहीम 4, 37, 22, 88 1, 1, 0 विकेट 3 मैच पर 2 विकेट निकाला, तो ये दो आपके लिए मस्ट पिक रहेगा इस वाले मैच पर, हमारे टीम पर भी रहने वाले है। नंबर 3 की बात करें कमरान अट्टा विकेट कीपरिंग सिस्टम पर आपको मिलेगी, तो कैसे देखिए यहाँ पर अजमान की टीम के टीम में जो विकेट कीपर है यासिर कालीम तो वो आएगी ओपनिंग में, साथ में यहाँ पर कमरान अट्टा जो है वन डाउन आ रहा है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे चॉइस हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको स्मॉल लीग पर कालीम को ही लेना चाहिए। कमरान अट्टा देखिए 3, 58, 4, 2, 28 अली अबीद नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, कैप्टनसी कर रहे हैं अपने टीम के लिए 25, 35, 16, 38, 13 ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। गुलाम मुर्तजा की बात करें बॉलिंग में अच्छा है लेकिन कुछ मैच में विकेटलेस भी गए 23, 0, 50, 1, 37 रन बनाया 4, 0, 0, 0, 2 और 0 विकेट निकाला, तो आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाला है इस वाले मैच पर। फैज अहमद देखिए 0, 3, 0 रन उतना अच्छा बैटिंग ऑप्शन नहीं है लेकिन विकेट्स की बात करें देखिए 6 विकेट निकाला 5 मैच खेल के। ए मुजीर खान 26 रन के साथ यहाँ पर 0, 3, 0, 1 4 मैच में 4 विकेट निकाले। नंबर 8 पर आएंगे एथन डिसूजा, अच्छा स्कोर नहीं है 3, 2, 8 रन बनाए लास्ट 3 इनिंग्स में। ओ हसन शाह लास्ट मैच पर 0 पर आउट हुए बॉलिंग नहीं मिले। जिया मुख्तार 0, 3, 1, 1, 1 मतलब 6 विकेट निकाले लास्ट 5 मैच खेल के, तो आपके लिए एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन बन सकता है। अदनान दानिश की बात करें 4 मैच में यहाँ पर इन्होंने भी 6 विकेट निकाला, तो आपके लिए ये भी अच्छे चॉइस हो सकते हैं इस मैच पर। तो गाइस अभी देख लीजिए अबू धाबी की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग की टीम पर मस्ट पिक रहने वाला है। गुलाम फरीद, अट्टाउर रहीम, अली अबीद, गुलाम मुर्तजा, फयाज अहमद, ये गई 5 आप देखेंगे जिया मुख्तार और अदनान दानिश, तो ये 7 प्लेयर्स इस टीम में से आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस रहने वाला है एज ए स्मॉल लीग प्लेयर्स। तो गाइस अभी हम देख लेते हैं हमारे स्मॉल लीग की टीम कैसा रहेगा, हम एक डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे और ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस के बाद। अभी चलते हैं डेमो की तरफ, वहाँ पर हमने स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर हमारी टीम पर रहेगा यासिर कालीम, देखिए बहुत सारे लोगों ने एम कमरान को भी पिक कर रहे हैं लेकिन हम फिलहाल इसके साथ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पिक करेंगे यहाँ से यासिर कालीम को। और बैटिंग सिस्टम की बात करें अली अबीद रहेगा ए टंडन, उसके साथ रहने वाला है जी फरीद और एस सिंह, यहाँ पर देखिए एज खान, ई डिसूजा और ओ हसन शाह आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे पिक्स हो सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें अट्टाउर रहीम, एस खान, शाहनवाज खान, उसके साथ एफ अहमद, ये 3 प्लेयर्स रहेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पर एफ अहमद की जगह गुलाम मुर्तजा को ट्राई कर सकते हो अगर आप 4 से लेकर 10 मेंबर तक लीग खेल रहे हो तभी। और लुकमान हजरत देखिए इनका भी सिलेक्शन बहुत लेस है तो ये भी आपके लिए डिफरेंशियल पिक्स बन सकते हैं और ग्रैंड लीग के लिए मस्ट पिक होगा। उसके साथ यहाँ पर जो है एन अजीज, इनको भी आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने खेला और अच्छे पॉइंट्स दिया, लगभग एवरेज पॉइंट देकर गए हर एक मैच में। बॉलिंग सिस्टम की बात करें एस अहमद, ए मुजीर खान और उसके साथ हमारे टीम पर रहने वाला है देखिए जेड मुख्तार, इनको बॉलिंग मिल रहा है लेकिन विकेट्स नहीं निकाला तो मेरे हिसाब से इस मैच पर विकेट लेना चाहिए। कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करें देखिए एस खान यहाँ पर कैप्टन, उसके साथ वाइस कैप्टन रहने वाला है अट्टाउर रहीम, आपके लिए यहाँ पर एफ अहमद अच्छे ऑप्शन बन सकता है या फिर एस सिंह जो है
और अलियाबित, इन दोनों या फिर आप यसिर कालिम को ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। सेव करके आपको प्रीव्यू दिख देता हूँ और प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रैंडली के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो कहते हैं यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन पर है यसिर कालिम, बैट्समैन में है ए टंडन, ए अबित, जी फरीद और एस सिंह। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें एफ अहमद, अटाउर रहीम, एस खान। बॉलर ऑप्शन पर देखिए एस अहमद, जेड मुख्तार, ए मुजाहिर खान, ये तीन प्लेयर्स आने वाले हैं। और हमारे टीम का जो सेव कैप्टन लगा हुआ है एस खान और अटाउर रहीम। आप ग्रैंड लीग पर यहाँ से देखिए यसिर कालिम को आप स्मॉल लीग पर ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो, आपके लिए ग्रैंड लीग में भी अच्छे चॉइस बन सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए अली अबित, जी फरीद, यहाँ पर जो है गुलाम मुर्ताजा ऑलराउंडर सेक्शन पर वो अच्छे रहने वाले हैं। साथ में रेस अहमद और ए मुजाहिर खान, तो ये छः प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाले हैं ग्रैंड लीग के लिए। और साथ में देखिए लुकमान हजर जो है उनको भी आप पिक कर सकते हो, वो भी आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकता है इस मैच पर। तो गाइस ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी के अभी लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और गाइस एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।